कोंडागांव नगर पालिका के एरिया में वार्ड क्रमांक 12 अस्पताल वार्ड में एक सड़क ऐसा है जहां पर बिजली के 4 खंभे लगे जो कि कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। और इस रोड के ठीक बाजू में मिडिल स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी इस रोड से गुजरते हैं। सामने जो पोल है वो बहुत बड़ा एक्शन ब्रेकर बन गया है, वहाँ बच्चे लोग के लिए बहुत परेशानी है, कोई भी गाड़ी आकर ठोक सकता है और जब तक पोल नहीं हटेगा तब तक खतरा का संकेत रहते रहेगा। अभी तक कुछ दुर्घटना हुई है क्या? दुर्घटना हो चुका है, एक बार पोल को एक गाड़ी वाला ठोक के चला गया था, दूसरा बार इधर का वायर को मार दिया रहा। बिजली वाले को बोलते हैं तो बिजली वाले भी आते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। नगर पालिका भी बोले लेकिन नगर पालिका वाले भी कोई ध्यान नहीं दिए इस चीज़ को, क्योंकि हम जहाँ काम कर रहे हैं हमारा ही ये लाइन को मार दिए रहे, रातों रात आते हैं कोई गाड़ी वाला ठोक के चला जाता है किसी को पता नहीं लगता है। जब मैंने इस मुद्दे को लेकर जिला कलेक्टर, विद्युत विभाग के अधिकारी एवं नगर पालिका के सीओ से इस संबंध में जानकारी लेने चाही तो उन्होंने मुझे लगभग 8 माह के अंदर यह बिजली के खंभे हटाने का आश्वासन दे दिया और कुछ ही दिनों में लगभग 8 माह के अंदर यह पोल हटकर दूसरी तरफ लग चुके हैं। बीच में पोल लगा हुआ था जिससे सबको बहुत परेशानियां होती थी, कभी भी कोई गाड़ी किसी जगह भी एक्सीडेंट होने का संभावना था। अभी वो पोल वहां से हट चुका है और इसमें आप और अधिकारियों का मैं धन्यवाद देता हूं। इस वीडियो को देखने वालों से मैं अपील करना चाहूंगा कि कोंडागांव के जिला कलेक्टर को धन्यवाद दें और उनका मनोबल बढ़ाएं। जिला कलेक्टर समीर विश्नोई जी, जिनका लैंडलाइन नंबर है 077-86-24-20-01। मैं खिरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।